हेलो गाइस, लेके आए रेडमी टॉप मॉडल 2023। आज हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे इसके प्राइस, फीचर्स और सेफ्टी के बारे में, तो आपको इसके बारे में सभी डिटेल बताएंगे। और वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, ये आपको इंडिकेटर लाइट्स मिल जाएंगी, ये फॉग लैम्प्स हैं, ये मारुति सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा आपको, यहाँ पे रेन वाइपर देखने को मिल जाएगा, और ये वॉशर है जिसमें से पानी निकलता है। और गाइस ये देख सकते हैं साइड इंडिकेटर है, ये रियर व्यू मिरर है, देख सकते हो गाइस आप। पीछे की बात करेंगे तो आपको पीछे ब्रेक लाइट मिल जाएंगी, रिवर्स लाइट मिल जाएंगी, स्पेस मिल जाएगा अच्छा खासा, 361 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं गाइस, आप कैमरा मैन जल्दी पास में आके दिखाइए, ये आप देख सकते हैं बूट स्पेस है, अच्छा खासा बूट स्पेस। पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे आपको, ये कैमरा इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा गाइस आपको, ये पहले से नहीं आता है, मारुति सुजुकी कंपनी पहले से इंपोर्ट नहीं देती है वैगनोर में। और गाइज इसका माइलेज की बात करेंगे तो गाइज 24 किलोमीटर पर लीटर का इसका माइलेज आएगा गाइज, 1197 सीसी का इसका इंजन आता है। तो आप देख सकते हो ये हैचबैक कारों की कैटेगरी में आती है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 32 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है इसमें इसके अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाइज आपको इसमें 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा गाइज। आगे हम बात करेंगे इसके सेफ्टी के बारे में तो 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिलेगी आपको इसमें। 2 एयरबैग देखने को मिलेंगे, एक तो ड्राइवर एयरबैग आएंगे और एक पैसेंजर एयरबैग आएंगे। गाइस अंदर चलते हैं गाड़ी के, क्या क्या इसके फीचर्स आएंगे। ये गाइस आपको दिखा देते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आएंगे। यहाँ पे आपको एयरबैग का लोगो दिया गया है, यहाँ से आप कॉल उठा सकते हो, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का आता है और यहाँ से आप कॉल काट सकते हो। ये ड्राइव मोड आते हैं गाइज, आपको 2 ड्राइव मोड आते हैं। ले गाइज अब गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। मीटर दिया गया है यहाँ पे, पेट्रोल फ्यूल टैंक, ये इंजन की, ये बैटरी की दी गई है गाइज। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी कितनी चली हुई है, यह आपको चारों डोर लॉक अनलॉक दिखाएंगे कि डोर अनलॉक है या नहीं है। और ये गाइज आपको पावर स्टेयरिंग देखने को मिल जाएगा, और गाइज यहाँ पे आपको पावर विंडो देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप सारे दरवाज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। 7 इंच एप्पल कार प्ले टच स्क्रीन है, आप देख सकते हो गाइज कितनी स्मूथ चल रही है, देख सकते हो गाइज इसमें आप यूट्यूब चला सकते हो, गाने सुन सकते हो गाइज, सब कुछ है गाइज इसमें। मैप, ये चारों डिपर चालू करने के लिए आपको बटन दिया गया है, ये एसी कंट्रोलिंग सिस्टम है, ये USB चार्जिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, iOS है। और गाइज ये आपको 5 गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर दिया गया है, देख सकते हैं आपको, देखिए पावर विंडो देखने को मिल जाएंगी, ऑटो डोर पावर विंडो देखने को मिल जाएंगी। और एक गाइज लॉकिंग सिस्टम है, डोर लॉकिंग सिस्टम है गाइज, आप इसका स्पीड मीटर देख सकते हैं, ये आपको इंजन के बारे में बताएंगे, पेट्रोल के बारे में बताएंगे गाइज, ये आपको डोर चारों डोर खुले हैं या बंद हैं इनके बारे में सूचना देंगे, वार्निंग देंगे। बॉक्स दिया गया है गाइज, आप देख सकते हो अच्छा खासा स्पेस आएगा, यहाँ पे एयरबैग का लोगो दिया गया है, ये एसी दी गई है, स्पीकर सिस्टम आएंगे इसमें आपको, देख सकते हैं यहाँ पे बोतल रख सकते हो आप अच्छे से, पीछे की रो में देख सकते हो गाइज आराम से एडजस्ट हो सकते हैं 3 जने। और गाइज देख सकते हैं आपको हेडरेस्ट दिया गया अच्छे से, लेदर सीट आपको देखने को मिल जाएगी। और गाइज ये चाइल्ड के लिए सेफ्टी बात करेंगे तो 1197 सीसी का इसका इंजन देखने को मिल जाएगा, 88.54 bhp की इसकी पावर आती है, 113 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, फैमिली कार है गाइज। अगर आप इस कार में इंटरेस्टेड रखते हो तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं गाइज, मार्केट में आपको कहीं पर भी उपलब्ध हो सकती है। तो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।